सोचना भी मत। को अप्लाई करने के बाद पहले आपको लगेगा बट अब फाइनली, पर अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना तो ये मैं आप, तो ऐसे में सनस्क्रीन क्या करता है, पहले लोग सनस्क्रीन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। हाय एवरीवन, जैसे आप अपने स्किन केयर में से सनस्क्रीन को स्किप करते आए हो, वैसे ही कहीं ये वीडियो भी स्किप करने की तो नहीं सोच रहे हो? सोचना भी मत, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में, और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको मेरे टॉप रिकमेंडेशंस भी दूंगी जो कि इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। पहले लोग सनस्क्रीन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे बट अब फाइनली वो इम्पोर्टेंस मिल रही है जो स्किन केयर में सनस्क्रीन डिजर्व करता है। सनस्क्रीन हमारे रूटीन का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होना चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर रहे हो, स्पेशली जो आप मॉर्निंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हो उनमें, तो जो भी आप अपने स्किन के लिए कर रहे हो ना वो सब वेस्ट है, क्योंकि ऐसे आप बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर जाके, इवन घर पे भी रह के, आप अपने स्किन को डैमेज कर रहे हो। जो डैमेज यूवी रेस से होते हैं ये प्रूवन है कि वो वर्स्ट डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग, हाइपरपिगमेंटेशन, यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे में सनस्क्रीन क्या करता है, सनस्क्रीन या तो फिर यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके डिफ्यूज करेगा या तो फिर वो उसे रिफ्लेक्ट करेगा, और इस तरह से वो आपको बचाएगा सन डैमेज से एंड प्रीमेच्योर एजिंग से। तो सनस्क्रीन ना केवल आपको घर के बाहर ही चाहिए बल्कि घर के अंदर भी लगाना चाहिए, क्योंकि जहां भी लाइट है, विजिबिलिटी है, वहां पे सन रेज पहुंच रहे हैं और आपके स्किन को डैमेज कर रहे हैं। अब बहुत लोग होंगे जिनको बाहर ज्यादा काम नहीं रहता है, घर में या फिर ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे या फिर आपको मोबाइल स्क्रीन पे काम होता है, तो इनकी लाइट से भी स्किन डैमेज होती है और स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है। तो अगर आप घंटों किसी भी स्क्रीन के सामने बैठते हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन ही क्यों ना हो, तो भी आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो अब बात करते हैं मेरे टॉप 6 सनस्क्रीन के बारे में जो कि आपको इजिली इंडियन मार्केट में मिल जाएंगे। सबसे पहला सनस्क्रीन है ये विश केयर का इनविजिबल सनस्क्रीन। इसका SPF तो 50 प्लस है ही, पर इसका PA रेटिंग भी ज्यादा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं PA++++M+। इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड है जो कि प्रोटेक्शन के साथ हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा। लाइट वेट मिल्की जेल फॉर्मुलेशन है, सभी स्किन टाइप्स एंड टोन्स के लिए सुइटेबल है ये। घर में है आप या घर के बाहर, ये स्ट्रॉन्ग UVA एंड UVB दोनों रेस से प्रोटेक्ट करेगा। इनमें रेसबेरी एंड चिया बटर जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि सन प्रोटेक्शन के साथ उन्हें रिपेयर भी करेगा, और इतना ही नहीं ये पॉल्यूशन एंड फाइन डस्ट को स्किन में एंटर करने से ब्लॉक करेगा। डेली बेसिस के लिए बेस्ट है ये, वाइट कास्ट भी नहीं देता, कम्प्लीटली सेटल हो जाता है, और इसका 50 ग्राम आपको ₹550 का मिलता है। नेक्स्ट है लाशील्ड का सनस्क्रीन जेल, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, 50 ग्राम आपको ₹790 का मिलता है। इसका SPF 40 है एंड PA रेटिंग भी ++M+ है। वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला है और इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होगी क्योंकि इसका सिलिकॉन टेक्सचर है। ये स्किन को इरिटेट नहीं करता है, पर अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना तो ये मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। और नेक्स्ट है ये न्यूट्रोजना का अल्ट्रा शी ड्राई टच सनब्लॉक। इसका SPF 50 प्लस है एंड PA रेटिंग भी ++ है। वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला है और इसकी डार्क थिक कंसिस्टेंसी है। इसको अप्लाई करने के बाद पहले आपको लगेगा कि ये व्हाइट कास्ट देगा और थोड़ा टाइम भी लगता है इसको कम्प्लीटली ब्लेंड होने में, बट फिर ये अच्छे से सेटल हो जाता है। और इसका 88 ml आपको ₹675 में मिलता है। नेक्स्ट है ये फॉरेस्ट एसेंशियल का सन फ्लूइड। इसमें टेंडर कोकोनट वाटर, टर्मरिक एंड बेसिल लीव्स हैं। SPF 50 के साथ इसमें PA++ रेटिंग भी है। लाइट वेट टेक्सचर है इसका और स्मेल भी काफी अच्छा है इसका, क्योंकि इनमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें भी हाइलुरोनिक एसिड है और ये हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग है। इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है पर ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होता है
और बिना वाइट कास्ट के ये नेचुरल ग्लोई डुई लुक देता है। पर ये मुझे विंटर्स में पसंद है और समर्स में ड्राई स्किन वालों के लिए सही है पर ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं, क्योंकि ये ऑयल फ्री नहीं है। इसका प्राइस है 1175 और ये इन सब में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है ये निविया का सन मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये अगर आप घर में ऑफिस में ज़्यादा रहते हैं और धूप वगैरह में कम काम रहता है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसका SPF 30 है और ये मॉइस्चराइज करने के साथ UVA एंड UVB दोनों रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वाटर रेजिस्टेंट कंसिस्टेंसी है इसकी, लाइट वेट है और इसमें विटामिन ई है, पर ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा सुइटेबल है। ये अभी मैं गर्मियों में बॉडी पे ही अप्लाई करती हूँ और इस पे लिखा तो नहीं है पर इसका 125 ml आई गेस 385 का है। और अब लास्ट है ये लोटस का हर्बल सन सेफ यूवी स्क्रीन मैट जेल। इसका SPF 50 है एंड पीए रेटिंग भी ट्रिपल प्लस है। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए सुइटेबल है। इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है और इसका प्राइस 485 है। इसमें थोड़े केमिकल्स भी हैं इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है और ये मैं अपने फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ, सिर्फ बॉडी पे ही यूज़ करती हूँ। करंटली मैं और मेरी मम्मी अभी विश केयर का ही सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनकेस अगर आपको ट्राई करना हो तो आप वहाँ से इसे मंगवा सकते हैं। सनस्क्रीन तो लगाना ही है पर इसके साथ अपने स्किन के लिए डे टू डे सन प्रोटेक्शन भी फॉलो करें, जैसे कि अपने स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें और बाहर निकलने पर सॉफ्ट एंड क्लीन क्लोथ से अपने सर एंड फेस को कवर करें, फुल स्लीव्स पहनें और 4 से 6 घंटे में वापस सनस्क्रीन लगाएं। तो ये थे मेरे टॉप 5-6 सनस्क्रीन्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक सही सनस्क्रीन अपने स्किन केयर में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और कमेंट में मुझे बताना कि इनमें से कौन से सनस्क्रीन आप यूज़ करते हैं या फिर आप ट्राई करना चाहोगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।